हमेशा ये जो भारतीय जनता पार्टी है झूठ जुमले और विश्वासघात में विश्वास रखती है, तो इन्होंने हमेशा जो ये कहते हैं इनके चरित्र में ही नहीं है कि जो सच्चाई ये बोल सके। इनका चरित्र ही झूठ करो पर आधारित है। तो ये कहते हैं कि हम विधानसभा लोकसभा नहीं करवाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोनों चुनाव साथ होंगे और इसीलिए हमने पूरी कमर कस ली और सारे साथी इस सरकार को, निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे जिन्होंने इनकी बी और सी टीम के रूप में काम किया पिछले 4.5 वर्ष और जो लगातार वर्षों से इनके नाते हैं। इनेलो अब इनेलो की जजपा बन गई और उसी तरीके से और भी भारतीय जनता पार्टी की कई और पार्टियां बनी हुई हैं। तो पूरी मजबूती से हम लड़ेंगे। जो मुख्य विपक्ष थी उसका तो नाश हो ही लिया। आपने देखा है कि बीएसपी और इनेलो मिलकर के उनकी 3454 वोट आई है, जमानते जब्त नहीं बचा पाए। तो मैं समझता हूँ कि संकेत अच्छे हैं और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और विभिन्न कार्यक्रम करेगी, बूथ पर और हमारी सक्रियता बढ़े। आज उन्हीं मुद्दों को लेकर के विभिन्न प्रोग्राम भी, रैलियां भी पूरे हरियाणा में सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। बैठक आज हम सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव 2 से लेकर के 5 हमारे मार्च के बीच में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी और बजट सत्र जो इंटरिम बजट का मामला है उसका आखिरी सत्र अगले 2-4 दिन में वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में, देश में राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने हर वर्ग के लिए संघर्ष किया, किसानों के लिए संघर्ष किया, जहां सरकारें आई किसानों के कर्जे माफ़ किए, मजदूर के लिए संघर्ष किया, कर्मचारी व्यापारी के लिए संघर्ष किया, हमारे नौजवान जो रोज़गार के बिना है उनके लिए संघर्ष किया, माताओं बहनों की सुरक्षा का मामला था, बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। तो अब मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को लेकर के पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और आज उसी को लेकर के हमने पूरे संसदीय क्षेत्र की आज यहाँ पर मीटिंग बुलाई है कार्यकर्ताओं की, जो अहम हमारे लीडर साहिबान हैं जो ग्रास रूट पर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करते हैं। और इसी तरीके से पहले सब जगह कार्यकर्ता बैठक होंगी और 14 तारीख के बाद पूरे हरियाणा के अंदर हमारे संसदीय क्षेत्रवार बड़ी रैलियाँ होंगी। वो जब खत्म हो जाएंगी मार्च महीने में विधानसभा वाइज होंगे। आप मानते हैं कि भीतरघात हुई, आपने एक रिपोर्ट भी तैयार नहीं? मैंने कोई रिपोर्ट तैयार नहीं करी और मैं समझता हूँ कि सारे साथियों को सब चीज़ें पता है। लीडरशिप जो है इस बात को बखूबी समझती है। हमें, मैं समझता हूँ कि सार्वजनिक तौर पर कोई ऐसी बात, ये कई बार होता है क्योंकि भाई रणदीप जी, सच्चाई ये भी है कि वो चुनाव तो नहीं लड़ना चाहते थे, सभी नेताओं ने मिलकर के वो किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से धनबल का प्रयोग किया, जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया, जैसे उन्होंने पूरे ध्रुवीकरण करने की कोशिश करी, ये तमाम मामले हैं। तो भाई रणदीप जी से हम बात करेंगे कि किस संदर्भ में उन्होंने बात कही। वैसे कोई इस तरह की बात तो नहीं है। साहब का कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने भीतरघात। मैं वही कह रहा हूँ कि सब लोगों ने एक ही बात कही है तो पता लगाएंगे कि कहाँ से वो है। और अगर कोई इस तरह की बात होगी तो जो भी दोषी है कोई बख्शा नहीं जाता कभी। सत्ता परिवर्तन की बात करें, अब हम सत्ता बदलेंगे, भाजपा हटाएंगे, इनेलो को और जो ये नई नई पार्टियां जो आई हैं इनको, मैं समझता हूँ कि लोग इनका इलाज करना चाहते हैं। तो वो मुद्दे जो है वो ख़त्म है। तो लोकसभा से आने वाली बात, देखिए पार्टी, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी जो हमारी ड्यूटी लगाएगी, चाहे वो संसद के चुनाव एक साथ होंगे तो उस हिसाब से जो भी पार्टी का आदेश होगा वो करेंगे, नहीं तो मैं समझता हूँ कि हमारा सबका दायित्व ये बनता है कि हम पार्टी के बारे में सोचें, व्यक्तिगत हित के बारे में ना सोचें और सब लोग मिलकर के कैसे आज मुल्क के सामने, हमारे प्रदेश के सामने जो चुनौतियाँ हैं, जैसे भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तबाही और बर्बाद और लगातार हरियाणा को जलाया गया है, ये बहुत बड़े चिंता का विषय है और उसके बारे में सोचते हुए हमें अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो सबको निभानी है। मेरी प्राथमिकता सिरसा तो डेफिनेटली है क्योंकि सिरसा के लोगों ने प्यार दिया और उस माहौल में जब दुनिया की जमानतें जब्त हुई, मुझे 4 लाख करीबन वोट यहाँ के लोगों ने दिए, तो मैं हमेशा एहसान हूँ। और मैं इतना भी कहना चाहूँगा सिरसा के लोगों को, हमारे जो मेरे सम्मानित बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, कि सिरसा में अगर अब चौधर आ सकती है तो कांग्रेस ही लेकर के आ सकती है।